हे गाइस व्हाट्सअप। सो ट्रैवल करना हम सबको पसंद है, नई नई कंट्री नई नई सिटी को विजिट करना हम सबको पसंद है, बट ट्रैवलिंग करते वक्त हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लगेज तैयार करना। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो तो आपको अलग तरीके के कपड़े को पैक करना होगा, और अगर आप अपने ऑफिस के वेकेशन पे जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको अलग तरीके के कपड़े को पैक करना होगा। इसीलिए हम लड़कों का यही कंफ्यूजन रहता है कि हम ट्रैवलिंग करते वक्त कौन कौन से कपड़े कैरी करें और कैसे स्टाइलिश दिखे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको 8 ट्रैवल फैशन टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी जर्नी एक हैप्पी जर्नी बन सके। उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो पहला ट्रैवल फैशन टिप है ज्यादा कपड़े पैक मत करना। हम लड़के यही मिस्टेक करते हैं कि हमें लगता है कि हम वेकेशन में अपने सारे कपड़े को पहन लेंगे, इसलिए हम अपने पूरे वार्डरोब को ही पैक करके ले जाने का सोचते हैं, और इससे ये होता है कि हम अननेसेसरी बहुत सारे कपड़े पैक कर लेते हैं जिससे हमारा लगेज बहुत ही हैवी हो जाता है। और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपको ये पता होगा कि अगर आपके लगेज का वेट 23 kg से ज्यादा हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइकोलॉजिकल हैक है कि आप 2-3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े मत लेना, और वो 2-3 जोड़ी कपड़े वही होना चाहिए जो आपका सबसे फेवरेट है, जिसे पहन के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्योंकि ये रिसर्च में देखा गया है कि हम लेकर तो जाते हैं बहुत सारे कपड़े, बट वाइल ट्रैवलिंग हम इतने रश में रहते हैं, हमें इतना कुछ एक्सप्लोर करना पड़ता है, इसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे आउटफिट पे ध्यान नहीं देता है। हमारा माइंड सिर्फ उसी आउटफिट्स पे ध्यान देता है जो हमें पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे पहन के हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ऐसा हर इंसान के पास सिर्फ 2-3 आउटफिट्स ही होती है अंटिल और अनलेस आप बहुत ज्यादा रिच हो। इसलिए वाइल ट्रैवलिंग आप अपने सबसे फेवरेट 2-3 जोड़ी कपड़े को ही पैक करना, इससे आपका लगेज भी ज्यादा हैवी नहीं होगा, प्लस आप इस टेंशन में नहीं रहोगे कि मैं इस आउटफिट में अच्छा लग रहा हूं या नहीं, और इसकी वजह से आप वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, जगह को एक्सप्लोर कर पाओगे और एक्सपीरियंस गेन करोगे अच्छे तरीके से। दूसरा टिप है ऑलवेज कैरी बेसिक क्लोथ्स। अभी जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में कहा कि आपको ज्यादा कपड़े पैक नहीं करना है, आपको ऐसे कपड़े कैरी करना है जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो, जिसे आप मिक्स एंड मैच करके बहुत तरह तरह के आउटफिट्स कर सको। इसीलिए आपको बेसिक कपड़े कैरी करना है जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो प्रिंटेड ना हो। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो और समर में जा रहे हो तो आप कैरी करना 2 हाफ स्लीव प्लेन टी शर्ट, एक ब्लैक एंड व्हाइट, और 2 चेक शर्ट, ताकि आप इसे एज इट इज भी पहन सको और इसे लेयरिंग करके एक जैकेट की तरह भी पहन सको। और पैंट में आप 2 जीन्स कैरी करना जो बिल्कुल भी डिस्ट्रेस्ड ना हो और जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो प्रिंटेड ना हो, एकदम प्लेन होना चाहिए, एक कलर वाले जीन्स। और जीन्स आप ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर का कैरी करना, क्योंकि यही 2 कलर के जीन्स वर्सटाइल होते हैं और हर आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ विंटर में ट्रैवल करोगे तब आप कैरी करना पहले की तरह 2 हाफ स्लीव टी शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाले, प्लस 1 चेक शर्ट, 2 जीन्स और साथ में डेनिम बॉम्बर या लेदर जैकेट में से कोई सा भी एक जैकेट जो आपको पहनना पसंद है, और साथ में एक जिपर वाली हुडी, ताकि आप उसे एज इट इज भी पहन सको और उसे लेयरिंग करके जैकेट की तरह भी पहन सको। और इसके साथ साथ अगर आप वेकेशन में बहुत ज्यादा ठंडी वाली सिटी या कंट्री जा रहे हो तो इन सारी चीजों के साथ साथ एक बीनी कैप, एक मफलर और एक ग्लव्स कैरी करना। सो ये तो हो गई फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप अपने ऑफिस के वेकेशन पे जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो और समर में जा रहे हो तो आप कैरी करना पहले की तरह 2 हाफ स्लीव टी शर्ट, 2 जीन्स, 2 चेक शर्ट और इसके साथ साथ एक फॉर्मल शर्ट और साथ में एक ग्रे या नेवी ब्लू कलर का फॉर्मल पैंट, क्योंकि इन केस वेकेशन में अगर अर्जेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो आप उसे पहन के जा सकते हो। सो ये हो गई समर की बात। अगर आप अपने ऑफिस के वेकेशन में या बिजनेस ट्रिप में विंटर में जा रहे हो तो आप कैरी करना पहले की तरह 2 हाफ स्लीव टी शर्ट, 2 जीन्स, 1 चेक शर्ट, 1 फॉर्मल पैंट, 1 शर्ट और साथ में पहले की तरह एक ब्लैक जिपर वाली हुडी और एक बॉम्बर जैकेट, लेदर जैकेट या डेनिम जैकेट में से कोई सा भी एक जैकेट, और इन सब के साथ साथ आपके फॉर्मल पैंट के कलर का एक ब्लेजर, जिससे इन केस अगर मीटिंग हो तो विंटर में आप उसे पहन के जा सकते हो मीटिंग में। और एक्सेसरीज में आप वॉच, सनग्लास, नेकलेस एंड ब्रेसलेट, इन चारों चीजों को कैरी करना और इन सबको एक साथ मत पहनना, मिला जुला कर पहनना। तीसरा टिप है कैरी ऑल योर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। हम लड़के यही मिस्टेक करते हैं कि हम सोचते हैं कि होटल में तो सोप, शैम्पू, फेस वॉश ये सब होगी, फिर अपना ग्रूमिंग प्रोडक्ट क्यों ले जाना। बट होटल में जो फेस वॉश एंड शैम्पू वगैरह होती है वो चीप क्वालिटी की होती है और वो आपके हेयर एंड स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग भी नहीं होती है, जिसके वजह से वेकेशन में आपका हेयर एंड स्किन खराब दिखता है और डल दिखता है। इसलिए ऑलवेज कैरी योर ओन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कंडीशनर, ट्रिमर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सनस्क्रीन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वेकेशन में सन टैन होती है, क्योंकि वो मॉर्निंग में एंजॉयमेंट के चक्कर में रश में होटल से निकलने से पहले सनस्क्रीन नहीं लगाते। इसलिए आप एक सनस्क्रीन जरूर कैरी करना और डेली होटल से निकलने से पहले मॉर्निंग में सनस्क्रीन जरूर लगाना। और आप अपने इन सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को एक टॉयलेटरी बैग में कैरी करना। टॉयलेटरी बैग
एक छोटा सा बैग होता है जो ट्रैवल करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट, सारे इंपॉर्टेंट चीज एक जगह कैरी हो जाती है। इसलिए ट्रैवल करते वक्त आप यूज कर सकते हो रुबाब मैन के इस टॉयलेटरी बैग को, क्योंकि इसमें आप अपने सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट एक जगह रख सकते हो। प्लस इसमें आप अपने चार्जर्स एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी सारे इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। आपको किसी एक चीज के लिए आपके पूरे बड़े से ट्रॉली बैग को छानबीन नहीं करना होगा इस छोटे से बैग की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में जरा सा भी लीकेज हो तो इससे आपके पूरे कपड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स इस टॉयलेटरी बैग के अंदर हो तो इन केस अगर आपके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में जरा सा भी लीकेज हो तो वो लीकेज इसके अंदर ही होगी, आपका कपड़ा खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इसकी परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कर इसे खरीद सकते हो। और मैं इस रुबाब मैन के टॉयलेटरी बैग को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वीगन लेदर से बनी है एंड ऑल्सो इको फ्रेंडली, क्रुएल्टी फ्री, स्प्लैश प्रूफ एंड एंटी ऑडर है। सो टू बाय दिस क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर मोर डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड LoveDuck10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट। फोर्थ ट्रैवल फैशन टिप है, दो पेयर से ज्यादा शू कैरी मत करना। हम लड़के हमेशा ट्रैवल करते वक्त 3-4 पेयर जूते कैरी कर लेते हैं, सोचते हैं कि हर आउटफिट के साथ अलग अलग शू पहनूंगा। बट शू एक ऐसी चीज है जो एक लगेज बैग में सबसे ज्यादा स्पेस खाती है। सो अगर आप बहुत ज्यादा शू कैरी करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा लगेज कैरी करना होगा और आपका लगेज भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और साथ में लगेज कैरी करने में आपको बहुत तकलीफ भी होगी और आपको एक्स्ट्रा पे भी करना होगा अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करोगे तो। इसलिए दो पेयर से ज्यादा शू कैरी मत करना, और वो दो पेयर शू ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो, जो हर आउटफिट के साथ अच्छी लगे, जैसे एक व्हाइट स्नीकर और एक ब्लैक चेल्से बूट। और इसके साथ साथ एक स्लाइडर भी कैरी करना जिससे आप इवनिंग में आप लोकल में वॉक पे निकल सको जहां वेकेशन पे जा रहे हो। फिफ्थ टिप है एक्स्ट्रा अंडरवेयर एंड एक्स्ट्रा सॉक्स कैरी करना। अब देखो, कपड़े तो आप हर अल्टरनेटिव डेज में चेंज करके पहन सकते हो, बट अंडरवेयर एंड सॉक्स को तो आप डेली चेंज करोगे ना, इसलिए अंडरवेयर एंड सॉक्स ज्यादा कैरी करना, क्योंकि होटल में अंडरगार्मेंट्स या कोई भी कपड़े धोने का चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप वेकेशन में कपड़े धोने थोड़ी जा रहे हो, आप मेमोरीज गैदर करने जा रहे हो, एक्सपीरियंस गैदर करने जा रहे हो, इसलिए कैरी एक्स्ट्रा अंडरवेयर एंड एक्स्ट्रा सॉक्स। सिक्स्थ टिप है कैरी ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो, प्लस वोटर कार्ड एंड वैक्सीन सर्टिफिकेट, क्योंकि वाइल ट्रैवलिंग कौन सा डॉक्यूमेंट कब काम आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए कैरी ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मेडिसिन को भी कैरी करना जिससे वेकेशन में आपका हेल्थ खराब ना हो, जैसे पेन किलर, कोल्ड एंड कफ की टैबलेट, पैरासिटामोल, सर दर्द की दवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेवेंथ टिप है वेकेशन में जाने के 2-3 दिन पहले आपको जो जो चीजें कैरी करना है उन सभी चीजों को एक नोट में लिख लेना, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में पैकिंग करते वक्त हम कुछ ना कुछ चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप 2-3 दिन पहले से ही नोट्स को देखते हुए धीरे धीरे पैकिंग करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कुछ भी नहीं भूलोगे। इसलिए वेकेशन में आपको क्या क्या चीजें लेकर जाना है उसे नोट्स में 2-3 दिन पहले ही लिख लेना। एंड फाइनली एट्थ ट्रैवल फैशन टिप है ज्यादा बड़ा ट्रॉली बैग कैरी मत करना, थोड़ा छोटा ट्रॉली बैग कैरी करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉली बैग लेकर ट्रैवल करोगे तो आपको ट्रैवल करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, प्लस आपको बहुत ज्यादा कपड़े लेने का भी मन करेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा छोटा ट्रॉली बैग लोगे तो आपको ट्रैवल करने में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, ट्रॉली बैग अच्छी क्वालिटी का लेना जिसकी व्हील की क्वालिटी अच्छी हो, जिससे आपको ट्रैवल करते वक्त परेशानी ना हो। तो ये थे वो 8 ट्रैवल फैशन टिप्स जिससे आपकी जर्नी एक हैप्पी जर्नी बनेगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।